अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन टिक्का पुलाव की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनती है। और ये एक वीवर्स रिक्वेस्ट भी थी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले फॉर मोर अपडेट्स। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला रेडी करेंगे, जिसमें मैंने 5 से 6 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 काट ली है लहसुन की, जिसे साफ़ कर लिया है। इसे हम ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट मैंने बना लिया है। और चिकन टिक्का पुलाव के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। 100 ग्राम ली है दही, जिसे अच्छे से बीट कर लिया है। और 2 पिंच लिया है रेड फूड कलर। अब हम सबसे पहले जो हमने मसाला ग्राइंड किया था, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, वो ऐड करेंगे लगभग 1 टेबल स्पून के करीब। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे दही 2 टेबलस्पून। सो हमने जो पाउडर मसाले लिए थे सभी वो ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे। और फूड कलर ऐड कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मैंने चिकन को मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने रख देंगे। तब तक हम दूसरे मसाले लेंगे, जिसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ, 1/2 कप हरा धनिया लिया है, कुछ गरम मसाले लिए हैं जिसमें 2 तेज़पत्ता, 3 दालचीनी के छोटे टुकड़े, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1/2 टी स्पून शाही ज़ीरा और 1 स्टार फूल लिया है। नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून लिया है गरम मसाला पाउडर, जो दही हमने ली थी वो, और जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो ले लिया है। और 1.5 ग्लास मैंने लिया है बासमती राइस। और 1 से 1.5 घंटे तक मैंने मैरिनेट कर लिया था। अब मैंने ऐड किया है 3 बड़े चम्मच तेल, और तेल गरम होने के बाद हम इस चिकन को फ्राई कर लेंगे। हमें हाई फ्लेम पर ही चिकन को फ्राई करना है, ताकि उसमें से पानी रिलीज ना हो और अच्छी तरह से चिकन भी फ्राई हो जाए। सभी चिकन को हम इसमें ऐड कर देंगे। और हाई फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे लगभग 3 मिनट तक। और यहाँ पर 3 मिनट बाद हम फ्लिप करना स्टार्ट करेंगे। और दोनों तरफ से हमें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है 3-3 मिनट तक, जब तक कि देखिए ऐसे ग्रिल मार्क्स नहीं आ जाते हल्के हल्के। और देखिए दोनों तरफ से हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। और ये देखिए मैंने कोयला गरम करने रखा था, एक कोयला हम गरम कर लेंगे अच्छी तरह से, और एक छोटी प्लेट रखेंगे उसके ऊपर, और इसे हम कोयले का स्मोकी फ्लेवर दे देंगे, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। कोयला रखने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2-3 बूंद तेल की, और इस तरह से ढककर हम इसमें स्मोकी फ्लेवर रहने देंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट बाद हम इस प्लेट को रिमूव कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई या पैन में ऐड कर देंगे 3 बड़े चम्मच तेल, और तेल अच्छा गर्म होने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे जो हमने साबुत गर्म मसाले लिए थे वो। कुछ सेकेंड सौते करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। प्याज को मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे फिर से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए।
एक मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर। मिक्स करेंगे। टमाटर को हमने सॉफ्ट होने तक भुनना है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दो टेबलस्पून के करीब मैंने दही ऐड किया है। दही का पूरा पानी ड्राई होने तक हमें इसे पकाना है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर भी साथ में। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे तेल रिलीज होने तक, ताकि अच्छी तरह से पक जाए, दही भी पूरा पानी भी ड्राई हो जाएगा और प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है और तेल अच्छा रिलीज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार, चावलों के हिसाब से हमें यहाँ पर नमक ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे धुले हुए चावल। चावलों को मैंने भिगाकर नहीं रखा था, ये डायरेक्ट मैंने वॉश करके ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लगभग एक मिनट के लिए हम चावलों को भी भून लेंगे हाई फ्लेम पर। इस तरह से चावल भुनने से वो खिले खिले बनते हैं। एक मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने डेढ़ ग्लास बासमती राइस लिया है, तो मैंने दो ग्लास जितना पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और फिर से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप नमक ज़रूर चेक कर ले, अगर कम रहेगा तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हम हाई फ्लेम पर पूरा पानी ड्राई होने देंगे। जितना ऊपर का पानी है हमें हाई फ्लेम पर इसे ड्राई कर लेना है। देखिए अभी हल्का हल्का पानी है नीचे, मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए। तो ये अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और दम पर पकाएंगे चावलों को। तो उससे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ चिकन टिक्का, जिसमें इसमें चिकन टिक्के का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाएगा और कलर भी। तो ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे सभी चिकन टिक्का को। साथ में मसाला भी ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटे ना। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे लो फ्लेम पर दम पर पकने देंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन और चावल अच्छी तरह से कुक हो जाए। और ये देखिए 10 मिनट तक मैंने रहने दिया था और हमारा चिकन टिक्का पुलाव बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। बहुत टेस्टी बनता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे सर्व कीजिए सलाद के साथ, रायते के साथ। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।